सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है संगीता, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएस चॉइस ब्लॉगर पर। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम अभी मॉर्निंग से। बाकी आज का मौसम धूप लगी है अच्छी। और दोस्तों आज के दोपहर के खाने में हम बनाने वाला है पालक की कफली और फात, जो कि अभी मैडम जी पालक को अच्छे से धो रही हैं। या आप देख सकते हो यह है पहाड़ी पालक, और आज आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं पहाड़ों में कफली। सो दोस्तों यह है पहाड़ी पालक, और इसको पहले बारीक करेंगे और उसके बाद इसको बॉयल करेंगे। इसका हल्का नमक डालेंगे और चूल्हे में रख के इसको अच्छे से बॉयल करेंगे, और उसके बाद कफली बनाई जाएगी इसकी। और मैडम जी बना रही हैं आज कफली, तो देखते हैं कैसे बनाती हैं और कैसा स्वाद आता है इनके खाने में। वैसे बहुत अच्छा खाना बनाती हैं ये, इनकी पहली रसोई तो नहीं बोल सकते पर ब्लॉग में इनकी ये पहली रसोई है। ये देखो अभी यहाँ पे आग भी जल चुकी है। यह सूखी लकड़ियां जिनसे हम आग जला रहे हैं। अच्छा, और अब ये कढ़ाई रख दिया चूल्हे में, इसमें ऊपर से हल्का नमक डालेंगे और उसके बाद ढक्कन रख देंगे अच्छे से ये फ्राई। गाइस इसमें बड़ा वाला थाला रखना है। गाइस ये वही थोपला है जो हमें उसके ऊपर से रखना है, और यहाँ पे नमक भी लागे हैं मैडम जी। अब इसमें एक दो चम्मच नमक डालेंगे और उसके बाद ये वाली थाली रखेंगे, क्योंकि बड़ी वाली थाली है, आकार में बड़ी है और उस वाली कढ़ाई में फिट आ जाती है, तो इसीलिए हम ज़्यादातर इसी का यूज करते हैं। मतलब ये हमारी बहुत ही पुरानी थाली है, आप देख सकते हो। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और उसके बाद ये रखेंगे, ये देखो गाइस, इधर देखो तो गाइस धुआं हो रहा है ना गाइस, तो ये थाली भी इसमें फाइनली रख दिया गाइस। अब इसको 5-10 मिनट के लिए अच्छे से उबलने के लिए रख देंगे और धीमी आंच को करेंगे। तभी तक धीमी आंच नहीं होगी, धीमी आंच जलाएंगे, खूब आग जलाएंगे। तो दोस्तों ये हो चुका है अच्छे से बॉयल, और इस थैले में हरी मतलब लाल मिर्च, इनको भी अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे, और कफली में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं ये, तो ये आप देख सकते हो। और ये थैला इतना काला इसलिए हो रखा है क्योंकि यह है आग का किचन, और धुएं से मतलब ये पूरा ऐसा काला हो रखा है। बाकी इसमें हम थोड़ा आटा मिलाएंगे गाढ़ा करने के लिए, और वो अच्छे से हो चुका है बॉयल फ्राई। देख सकते हैं ये फुल कढ़ाई पालक की थी, और ये बॉयल होके जला हो गया। सही बोला इन्होंने, कम हो गया, मतलब उस टाइम पूरा ऊपर तक था, अभी देख आप देख सकते हो थोड़ा भी नहीं है, मतलब सब्जी की तरह इतना बचा है। दोस्तों ये निकाल दिया है, इसमें अब तेल डालेंगे, और जैसे कि मैंने आपको कहा था ये लाल मिर्च इसको फ्राई करेंगे, और कफली में ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो अभी इसमें अच्छे इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसके बाद इसमें इसको फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हो कढ़ाई पहले ऐसे गर्म थी, इसीलिए तेल भी मतलब गर्म हो चुका है,
और अब इसमें डालेंगे मिर्च। तो अच्छी अच्छी मिर्च ढूंढते हैं, जैसे ये सही है बड़ी, ये लो। तो दोस्तों फ्राई करने के लिए इतनी मिर्च काफ़ी होंगी ये, क्योंकि ज़्यादा है तो डाल दो उसमें। इसे निकालनी है ना, तो इसमें थोड़ा पानी है, इसको सुखा देते। मिर्च हो चुकी, दोस्तों इसमें दैन भी डाल दिया है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही तरार कर रहे हैं। ये मतलब जब इसकी आवाज़ बंद हो जाती है उसके बाद हम इसमें पक चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम। और दोस्तों फाइनली लगभग कपला बन चुका है, बस इसमें आप थोड़ा पानी ऐड करेंगे जितना हमें चाहिए। और ये पानी भी इसमें डाल दिया है। ये देखो गाइस अपनी सिस्टर से बात कर रही हैं, इनको बहुत खुद लग चुकी है नहीं तो अपने मायके की। ये देखो होली की वजह से गाड़ियां बंद है और मैं नहीं जा पाई, अब मुझे अपनी माँ की साकी याद आ रही है। कोई बात नहीं, परसों जाएंगे आराम से, सुबह जाएंगे ठीक है। माता जी भी आ चुके हैं खेत से काम करके, देखो धान करके ये देखो इतने लंबी है ये माँ से। ये हमारा पहाड़ी मट्ठा छाछ और कफला में तो बहुत ही टेस्टी होता है ये, आप देख सकते हो एकदम। चाखा बदल करना हूँ दोस्तों, थोड़ा हम भी चखते हैं। तो गाइस थोड़ा मैडम जी भी चखेंगे, चखिए तो जल्दी, क्या हो रहा है खा लो फिर भी चख लो। दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सो गए थे और अभी मौसम पूरा पैक है, पीछे आप देख सकते हो और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नई ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।